नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा वीडियो ज्योतिष पर है और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा गुरु बुध की युति के बारे में। युति के विषय में मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, तो आज फिर एक बार गुरु बुध की युति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जुपिटर मरकरी कंजंक्शन के इफ़ेक्ट्स जानने से पहले हम दोनों ही ग्रहों के अलग अलग कारकत्वों को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद दोनों की युति के प्रभाव को समझेंगे। अब गुरु की अगर हम पहले बात करें तो गुरु ज्ञान का कारक है। यहाँ एक बात मैंने देखी है कि गुरु पुस्तकीय ज्ञान का ज़्यादा कारक होता है, जैसे वेद पुराण रामायण आदि का ज्ञान, और शनि अनुभवजन्य ज्ञान है। गुरु ज्योतिष का कारक है, ये जीव कारक है, गुरु संतान का कारक भी है। ये ग्रह विवेक और सत्य का कारक है। जुपिटर भाग्य तीर्थ यात्रा मंत्र शक्ति आदि का भी कारक है, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन। जुपिटर गुरु अध्यापक और धार्मिक कार्यों का, आर्थिक व्यवस्था का, दान परोपकार फलदार वृक्षों का, जांग व लीवर हार्निया आदि का भी कारक होता है। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध वाणी का कारक है, बुध स्कूली शिक्षा का कारक है, मित्र का कारक है, व्यापार लेखन कॉमर्स गणित और ज्योतिष आदि का कारक होता है। यहाँ देखिए, बुध भी ज्योतिष का कारक होता है। बुध से बुआ और मामा त्वचा हरी भरी जमीन गार्डन आदि को भी देखते हैं। कुंडली में बुध उच्च का मित्र क्षेत्री केंद्र त्रिकोण आदि शुभ स्थानों में है, अनुकूल नक्षत्रों में है, तो फिर निसंदेह आपको ऊपर बताए गए कार्यकत्वों में अनुकूलता देगा। जातक का जीवन सुखमय होता है, वह हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करता है। बुध मजबूत हो तो जातक हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेने वाला होता है। तो मित्रों, इन दोनों के अलग अलग कार्यकत्वों को बताने के बाद अब आते हैं इन दोनों ग्रहों की युति के प्रभावों पर। अब इसे युति का फल जानने का प्रयास करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ एक भाव में और निकट के अंशों में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि वाणी शिक्षा और ज्ञान के द्वारा जीव को उपार्जन करता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, मेधावी होता है, वह अच्छा वक्ता अच्छी तर्क शक्ति वाला होता है, वह विद्वान होता है, धनवान खेती योग्य जमीन का मालिक होता है, वह शिक्षक होता है, उपदेशक अच्छा वक्ता मीडिया से जुड़ा हुआ होता है, व्यापारी व ज्योतिषी भी हो सकता है। इसमें ज्योतिषी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने सोचा आपको भी मैं शेयर करूँ। मेरा बेटा विराट, जिसकी कुंडली में यह योग है, और जब ज्योतिष की बात आई तो मुझे ये बात याद आ गई कि जब वह 5 या 6 वर्षों का था, 5 या 6 वर्ष की अवस्था में ही उसे 27 नक्षत्रों और 12 राशियों का ज्ञान था। मुझे लगता है कि वह जन्मजात ज्योतिषी है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ज्योतिष के प्रति इतना अनुराग होना, ये शायद इस युति का ही बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसके अलावा एक बात और कि ये जो मैंने YouTube चैनल बनाया तो उसी के नाम पर बनाया, इसके पीछे भी मेरा पहले से कोई उद्देश्य ये नाम रखने का नहीं था, लेकिन बार बार मुझे मेरे मन में एक चीज़ ये आती थी कि अपने YouTube चैनल का नाम विराट ज्योतिष चिंतन ही रखूं। तो ये होता है ग्रहों का प्रभाव। ग्रह अपना प्रभाव
देते ही हैं। तो जातक इन क्षेत्रों में यश मान सम्मान अर्जित करता है। चूंकि दोनों ही ग्रह ज्योतिष से जुड़े हैं, अतः जातक को ज्योतिष से बहुत अनुराग होता है, ज्योतिष में उसकी बहुत रुचि होती है। ये युति मित्रों उस वक्त बहुत अच्छी हो जाती है, और ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये युति उस वक्त बहुत अच्छी हो जाती है जब ये कुंडली में अनुकूल भावों में हो और गुरु की डिग्री बुध से ज़्यादा हो। मैंने देखा है कि इस युति वाले बच्चे बहुत ज़्यादा तर्कशील होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। तो ये युति अच्छा प्रभाव देगी जब दोनों ग्रह बलि हों, शुभ स्थानों में हों। ये युति विलक्षण प्रतिभा उत्पन्न करती है मित्रों, ये बुद्धि और ज्ञान की युति है, इसलिए शुभ ही शुभ है। परंतु इस युति में ग्रह को, इस युति में गुरु को डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए, यानी गुरु अपने दूसरे ग्रह बुध को कमांड करे, डोमिनेंट करे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली ज्ञानवान होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, उसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी बात को जल्दी से और गहराई से समझ लेता है, उसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी, पूर्वाभास हो जाता है उसे। आप भी देखिए कि अपने बच्चों की कुंडली में ये युति यदि है तो फिर आपका बच्चा बहुत प्रतिभावान और प्रतिभाशाली है, उसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। लेकिन बस एक नेगेटिविटी भी मैंने इस युति में देखी है कि जब इन दोनों में बुध डोमिनेंट पोजीशन पे होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तर्कशील हो जाता है, और उस तर्क शक्ति में वह अपने ज्ञान की उपेक्षा कर देता है। तो इस युति में ज्ञान को तर्क पर हावी होना चाहिए। तो मित्रों, आशा है आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियोस में पुनः मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदा आपसे। जय सियाराम, नमस्कार।